अरे ना थोड़ा थोड़ा आ जाओ, आ जाओ साइड पे आ जाओ। बाय द वे इस बाइक का जो इंजन स्टार्टअप है वो इतना ज़्यादा साइलेंट है कि आपको समझेगा भी नहीं कि आजिक में आ गए नई अपॉर्चुनिटी और एक नए ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। भाई मेरे पीछे खड़ी है एक बहुत ही फ्रेश और एक बहुत ही यंग लुक में 2020 होंडा डियो BS6 वेरिएंट में, स्पेशल थैंक्स टू वेनिश एंड होंडा जिन्होंने जो ये स्कूटर मुझे प्रोवाइड की आप तक पहुंचाने के लिए। अगर आपको शोरूम की डिटेल्स चाहिए तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा। एंड आज जो अपन इसका एक राइड रिव्यू करने वाले हैं एंड इसी गुड नोट के साथ जो अपन शुरू करते थे आज का ब्लॉग। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग 3 2 1 ज़ूम। ऑलराइट, सो फाइनली मेरे सामने आ चुकी है एक बहुत ही नए अवतार में, द 2020 होंडा डियो BS6 वेरिएंट में। मैं जो आपको बाइक का एक अच्छा खासा सा 360 दे दूँ ताकि आपको पता चले कि बाइक का जो लुक एंड फील है पूरा का पूरा जो यहाँ पर चेंज हो चुका है। तो आगे की साइड जो आपको LED लाइट्स मिलते हैं मैं आपको एक बार ऑन करके दिखा दूँ। सो बाइक की जो LEDs है कुछ इस तरीके से दिखती है, काफ़ी ज़्यादा ब्राइट LEDs वैसे, और टर्न सिग्नल्स हो रहेंगे आपको, बल्ब टर्न सिग्नल्स मिलेंगे और ऊपर की साइड थोड़े बहुत आपको DRLs भी मिल जाते हैं। तो होंडा ने जो यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा शार्प लुक दिया हुआ है और मेरे पास जो कलर है वो ब्लैक है। बैक साइड से जो है बाइक काफ़ी ज़्यादा बल्कि दिखती है एंड ग्रैब बॉस भी जो है काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। इस डिलक्स वेरियंट की जो ऑन रोड कॉस्ट है वो है 82,372 रुपीज़ ओनली एंड स्टैंडर्ड वर्जन की जो ऑन रोड कॉस्ट है वो है 78,586 रुपीज ओनली मेरे दोस्त। #खुशियों की चाबी इन द चैट। मुझे पता नहीं क्यों बट मुझे जो है यू नो थोड़ा आ जाओ, आ जाओ साइड पे आ जाओ, पता नहीं। और ये रही स्कूटर की चाबी, #खुशियों की चाबी इन द चैट मेरे दोस्त। तो अभी अपन जो है फटाक से बैठ जाएंगे बाइक पे, बट बाइक पे बैठने से पहले जो हूँ मैं आपको बाइक के थोड़े बहुत फीचर्स के बारे में बता दूँ। बाइक का जो फ्यूल कैप है वो डायरेक्टली ओपन हो जाता है यहीं से। तो ये रहा बाइक का फ्यूल कैप। बाय द वे यहाँ पर जो आपको एक 5.3 लीटर की टैंक मिल जाती है जिसमें से जो है आपको लगभग 60 की माइलेज भी मिल जाएगी एंड यहाँ पर आपको थोड़े बहुत कार्बन फाइबर फिनिश वाले टेक्सचर भी मिलते हैं। एंड बूट स्पेस पे आते हैं तो वापस आपको यू नो ये नीचे का बटन दबाना है जिससे आपका बूट खुल जाएगा। यहाँ पर जो आपको एक 18 लीटर का बूट स्पेस मिलता है और आपका फुल फेस हेलमेट भी आराम से आ जाएगा, थोड़े बहुत टूल्स भी यहाँ पर। और अभी अपन इसको कर देते हैं क्लोज एंड अभी अपन जो है तुरंत बैठ जाएंगे बाइक पे एंड लेट्स डू दिस। बाकी की बातें अपन जो है मोटो ब्लॉग करते करते मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल रखने के लिए भी थोड़ी बहुत जगह मिलती है एंड यहाँ पर एक पूरा का पूरा आपको एक डिजिटल डिस्प्ले मिलता है जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा यू नो अच्छा खासा है। फॉन्ट्स जो है काफ़ी ज़्यादा बड़े को मिल जाएगा अपना टाइम आएगा। दैट वॉज अ वेरी बैड जोक। एनीवेज टाइम, फ्यूल गेज, स्पीड, किलोमीटर्स और ये रहा। और एक छोटा सा इको का डिस्प्ले भी मिलता है जिससे आपको पता चलता है कि आपकी बाइक जो है वो इकोनॉमिक कंडीशंस में चलती है या नहीं। हैंडल बार्स पे आते हैं तो हैंडल बार्स पे आपको मिल जाते हैं यहाँ पर हाई बीम, लो बीम, पास लाइट, टर्न सिग्नल्स ऑन, इंजन किल स्विच और पावर का बटन। बाय द वे इस बाइक का जो इंजन स्टार्टअप है वो इतना ज़्यादा साइलेंट है कि आपको समझेगा भी नहीं कि बाइक ऑन हो चुकी है। तो आई एम श्योर आपको पता नहीं चला होगा कि बाइक ऑन हो चुकी है बट मेरी बाइक जो है ऑन हो चुकी है मेरे दोस्त। तो अभी अपन तुरंत करते हैं मोटो व्लॉग एंड लेट्स डू दिस। मुंबई में जो है बारिश वापस से शुरू हो चुकी, मुझे पता नहीं क्यों जब कभी मैं मोटो ब्लॉग करता हूँ तभी बारिश आती है। एनीवेज, सो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आपको नोटिस होने वाली है वो है बाइक का लाइट वेट नेचर। ये बाइक इतनी ज़्यादा लाइट फील होती है। सिग्नल का इंतज़ार, यह सब लोग निकल रहे हैं। एनीवेज, सो मेरी जो हाइट है वो है 5'10" और मेरे जो है दोनों पाँव आसानी से नीचे टिक रहे। तो मान लीजिए अगर आप कोई फीमेल राइडर भी हो और अगर आपकी हाइट 5.5 या 5.4 भी है फिर भी जब आराम से इस स्कूटर को चला पाओगे विदाउट एनी टेंशन माई फ्रेंड। सिग्नल खुल जा, बहुत टाइम लग गया। एनीवेज, सारी दुनिया जा रही है और मैं ही सिग्नल पे खड़ा हूँ, ऐसा क्या है यार अभी। चलो कोई बात नहीं, साइड मिरर जो है आपको अच्छा खासा व्यू दे देंगे पीछे, साइड मिरर को लेके नो प्रॉब्लम एट ऑल। और जब तक सिग्नल खुलता है तब तक जो अपन यहाँ पर मोबाइल डाल के भी देख लेते हैं। भाई मेरा एक 6 इंच का फ़ोन है और मेरा फ़ोन जो आसानी से अंदर जा रहा है विदाउट एनी टेंशन। और अभी अपन बात कर लेते हैं बाइक की इंजन रिफाइनमेंट। आई मीन टू से बाइक का इंजन बहुत ही ज़्यादा स्मूथ एंड बहुत ही ज़्यादा साइलेंट है। अगर आप हेलमेट पहन के चलाओगे तो आपको यू नो शायद ही सुनाई देगा इस बाइक का एग्जॉस्ट। सो यू नो बाइक को चलाने के टाइम पर एक बार हेलमेट उतार के चेक कर लेना कि आपकी
आपकी स्कूटर चालू है या बंद है। एंड वंस अगेन, अगर मैं जो स्कूटर को बाइक बोल दूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। आप लोग जो कमेंट सेक्शन में बहुत बोलते हो कि भाई आप स्कूटर की बोल रहे हो, स्कूटर की बोल रहे हो, बट यू नो मैं रोज़ नई नई बाइक चलाता रहता हूँ, सो यू नो आदत पड़ गई है बाइक बोलने को। एनीवेज, सो बाइक का इंजन रिफाइनमेंट काफ़ी अच्छा खासा एंड रिफाइंड, आपको जो है ज़्यादा झटके वगैरह नहीं लगते एंड ट्रैफिक में भी जो है इसको मनूवर वगैरह कर रहे हैं बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती मेरे दोस्त। क्या लाइट वेट स्कूटर है यार, आई मीन टू से। चलो डन। एंड फ्रंट में जो यहाँ पर आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं एंड बैक में जो आपको थ्री स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक मोनोशॉक मिलते हैं और काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट सेटिंग पे रखे हुए, तो आपको यू नो वो गड्ढे वगैरह ज़्यादा फील नहीं होता। सबसे बेस्ट पार्ट मुझे इस स्कूटर की ये लगी कि उसके साइड मिरर्स, मतलब इतने ऊंचे साइड मिरर्स हैं और बरोबर मेरे शोल्डर लेवल पे आ रहे, तो मुझे जो पीछे देखने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही है स्कूटर को चलाने के टाइम पर। और डिजिटल मीटर भी जो रीड करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती, काफ़ी बड़े फॉन्ट्स मेरे दोस्त। और यहाँ पर आपको एक 110 सीसी का इंजन मिलता है और पावर जो है काफ़ी अच्छा खासा प्रोड्यूस कर लेती है। सो सिटी में जो अगर आपको हल्के फुल्के, अरे भाई बहुत लेट दिया तूने सिग्नल, जिससे जो है अपनी ब्रेक भी टेस्ट हो चुकी है। भाई बाइक की ब्रेक जो है कमाल के काम करते हैं, ट्यूबलेस टायर्स जो है काफ़ी अच्छा खासा आपको ग्रिप दे देंगे यहाँ पर। सो स्पीड ब्रेकर टेस्ट, छोटा सा स्पीड ब्रेकर, यस जैसे कि मैंने आपको बताया सस्पेंशन जो है सॉफ्ट साइड पर है तो आपको ज़्यादा झटके नहीं लगते। एंड सीट्स भी जो है काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और काफ़ी ज़्यादा चौड़ी है, सो राइडर और पिलियन को बिल्कुल भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली। एंड यहाँ पर जो आपको एक 110 सीसी का BS6 इंजन मिलता है एंड बाइक में से जो है पावर भी काफ़ी अच्छा खासा प्रोड्यूस होता है, तो सिटी वगैरह के लिए जो है इतना पावर बहुत हो गया। एंड 60 की माइलेज भी मिलती है विच इज़ मोर देन इनफ। एक U10 टेस्ट, क्या बात है भाई, U10 वगैरह मारने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो यू नो अगर आप स्पेशली एक लेडी राइडर हो सो डियो जो है बिल्कुल ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा, आपको जो है आई एम श्योर पसंद आने वाला है। सो आप देख लीजिए आपको कौन सा कलर पसंद आता है, बट वो रेड वाला ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा कड़क दिखता है मेरे दोस्त। सो अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे यहाँ पर आपको ग्रीन कलर की 3 स्ट्रिप्स मिलती है। सो अगर आप मान लीजिए बहुत ही स्लो स्पीड में चलाते हो सो आपको वो इंडिकेट कर देगा कि आपकी बाइक जो इकोनॉमिक कंडीशन में चल रही है, और जैसे ही आप रेव करोगे वो हट जाएगा और आपकी बाइक जो है इकोनॉमिक कंडीशन से हट जाएगी और आपको माइलेज थोड़ी बहुत कम भी मिलने लगेगी। तो यू नो ब्रेक टेस्ट करके देख लेते हैं अपन यहाँ पर, एक छोटी सी ब्रेक टेस्ट। और ये मैंने स्कूटर को थोड़ी बहुत भगाई, ये बहुत भगाई 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 और मैंने सिग्नल दिया, पीछे कोई आ नहीं रहा है और ये मैंने अप्लाई कर दी। यस भाई, इसकी ब्रेक जो है काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करती है। और अभी अपन जो है एक छोटा सा रेयर ब्रेक टेस्ट भी करके देख लेते हैं। वापस से मैंने बाइक को भगाई, पीछे के साइड देखा कोई नहीं आ रहा है, सिग्नल दिया, बाइक को साइड पे ली और अप्लाई कर दी। यस, काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करती है फ्रंट एंड रेयर ब्रेक्स स्कूटर की मेरे दोस्त, अच्छी बात है। हॉर्न भी ओके, मतलब इतना ज़्यादा लाउड नहीं, बट आप एक आफ्टर मार्केट हॉर्न लगवा सकते हो। और अभी अपन आ जाते हैं स्कूटर के कम्फर्ट में। भाई मेरी जो हाइट है वो है 5'10" और मुझे जो है मेरे दोनों पाँव आगे टिकाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही है, काफ़ी अच्छा खासा लेग रूम दिया हुआ है यहाँ पर। और अगर आपको और लेग रूम चाहिए तो आप जो अपने आपको पीछे धकेल के भी बैठ सकते हो, और मेरे शोल्डर्स पे और मेरे लोअर बैक पे ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ रहा है, काफ़ी आसानी से जो आप इस बाइक को लोअर स्पीड में मनूवर वगैरह कर पाओगे। एंड बाकी तो सब कुछ सही है। और यहाँ पर आपको हल्के फुल्के से कार्बन फाइबर फिनिश वाले टेक्सचर भी मिलते हैं, जिससे जो है और भी ये इसका कॉकपिट अच्छा दिखता है। कॉकपिट जो है इस बाइक का बहुत ही ज़बरदस्त है और वाइब्रेशंस जो है बहुत ही ज़्यादा मिनिमल है इस स्कूटर में, तो आपको जो हल्के फुल्के अपने हैंडल बार से अपने पाँव के यहाँ पर लगने वाला है, बाकी आपकी सीट के नीचे वगैरह जो बिल्कुल भी ये बोलते हैं अरे ये क्या आपको जो बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं लगता, कभी कभी जो मैं अपने वर्ड्स भूल जाता हूँ। सो वैसे जो है ये एकदम यू नो एक साइलेंट स्कूटर है, एकदम यू नो साइलेंट किलर बोल सकते हो आप इसको, जिसको चलाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाती है। क्या बात है, बाय द वे ये सिग्नल जो है वो ख़राब हो चुका है, तो अगर मैं रेड सिग्नल को क्रॉस करूँ तो प्लीज़ कॉमेंट करना नहीं, ख़राब हो चुका है वो सिग्नल। स्टैंडर्ड में जो आपको डिजिटल डिस्प्ले नहीं मिलता और आपको LEDs भी नहीं मिलती, बस इतना ही फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क है नहीं। और अभी अपन जो है एक डबल स्टैंड टेस्ट भी करके देख लेते हैं। अरे
भाई बाइक जो इतनी ज़्यादा लाइट वेट है कि आपको डबल स्टैंड वगैरह में डालने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आप अपना फ़ोन यहाँ पर रखते हो तो लेना भूलना नहीं, वरना आपका फ़ोन जो है फंड हो जाएगा मेरे दोस्त। अभी अपन बाइक को कर देते हैं ऑफ। सो थोड़ी बहुत चीज़ें जो है मुझे लगता है आप लोगों को बताना चाहिए तो मैं आपको बता दूँ। सो अगर आप नोटिस करो, पिलियन के जो फुटपैक के डिज़ाइन है वो भी काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किए हुए हैं। एंड पीछे की जो टेल लाइट है, यहाँ पर आपको एक बल्ब में टेल लाइट मिलती है। और डीओ का ब्रांडिंग भी जो है काफ़ी अच्छे से किया हुआ है, तो एम्बॉस होकर बाहर आते हैं। वैसे अगर आप देखो तो बाइक का लुक एंड फील काफ़ी ज़्यादा यंग है, और बाकी तो सब कुछ बढ़िया ही। अगर आपके पास फिर भी और कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा। और अभी मैं निकलता हूँ अपने गोप्रो के सेटअप से, और मैं मिलूंगा आपको मेरे मेन कैमरा से। ठीक है, चल बाय। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये शॉर्ट एंड स्वीट ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आया तो क्या करना है, लाइक बटन ठोकना, सब्सक्राइब बटन भी दबा देना, एंड द ब्लॉग है। आई होप एंजॉय दिस वीडियो गाइस। इफ यू डिड एंजॉय दिस वीडियो मेक श्योर हिट दैट लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। अंटिल वी मीट अगेन, दिस इज डीवीएस ब्लॉग साइनिंग आउट। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच। बारिश हो रही है, मैं सनग्लासेस पहन के ब्लॉग कर रहा हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है। पता नहीं।